अब एतबार जताया है कैप्टन ने सिंधुपुर के कप्तान ने। चार प्लस चार का मुकाबला है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। तो शुरुआत हो चुकी है, ये खबर मिल चुकी है कि ये फाइनल मुकाबले की पहली गेंद हालांकि आप सबके बाहर व्हाइट गेंद के साथ शुरुआत की है। क्या बेहतरीन मुकाबला, क्या शानदार मुकाबला, ये फाइनल मुकाबला और ये शानदार खिलाड़ी का शानदार के लिए जैसा पूरा टूर्नामेंट में खेला है वैसे ही शुरुआत की है। कहते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन, एक अच्छी शुरुआत आपके आधे काम को पूरा कर देती है और ये शुरुआत कर दी है आगे तैयार है हमारी चार प्लस चार लाजवाब बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी की है आमिर ने। और आमिर की बल्लेबाजी को देखने के बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, आमिर असली घी है जो बनिया की दुकानों में नहीं मिलता। ये आमिर है, ये बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी किया है, बिल्कुल ये संगमरमर जैसा है इस तरीके की बल्लेबाजी आमिर ने की है। अरमान तैयार है, लेफ्ट आर्म ओवर कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आउटसाइड भी आप स्टंप के बाहर, वाइड का सिग्नल कर दिया है सालिम मैक्सवेल ने, स्कोर पहुंचा है 10 रनों पर, 10 विदाउट लॉस। आमिर रेड गेंद पे करने के लिए गई, यॉर्कर ड्राइव स्ट्रेट बैक टू द बॉलर विदाउट फॉर एनी रन, इट्स अ डॉट डिलीवरी, दैट काइंड ऑफ अ कॉलिंग नीडेड फॉर अ फील्डिंग साइड शेखरपुर एंड फॉर द फील्ड बैटिंग टाइम इन दिस 9-1 यॉर्कर लाइन डिलीवरी digged out well, he got a single and single will not be the very case for the Shea Athletic side. His score is now showing 11 run. Bina kisi wicket ke nuksan par यार बहुत हो गया यार, जो लोग यार समझ में नहीं आ रहा है इतना यार, इतना वो है तो फोन करके तब समझ में आए कि आदमी के अंदर हिम्मत कितनी है, फोन करके उसको बोलिए जो बोलना है। एक शानदार मुकाबला लगातार, ये जो है हिम्मत वालों का काम नहीं है, इस टूर्नामेंट की जा रहा हूँ कहाँ से यार समझ में नहीं आ रही। वसीम अहमद पप्पू पेजर चेयरमैन सराय में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो शकील अहमद साहब इसमें लगातार जुड़े हुए हैं, गुफरान अहमद साहब मुन्ना भाई पेटी वाले लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तमाम लोगों का रियाज भाई और उनके तमाम साथी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपके आने से इस टूर्नामेंट में बहुत रौनक बढ़ी है, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ी है, इस टूर्नामेंट की जीनत बढ़ी है। इस स्कोरिंग के साथ पहुंचा है एक और चौका, इस चौके के साथ स्कोर 16 पूरे से आगे के पूरा का योगदान रहा है इस पूरे टूर्नामेंट को कराने में। एक एक पर एक एक लोग का शुक्रिया रख रहे हैं रियाज भाई उसके तमाम साथी कि आप तमाम लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज सरायमेर ने इतिहास रचा है। यूनिक बैटरी केयर अर्शिद ट्रांसपोर्ट कंपनी आपका शुक्रिया अदा किया जा रहा है, बहुत बड़ा योगदान आप लोगों ने भी किया है, लगातार साथ दिया है। इस वक्त तैयार है हमजान पारी के दूसरे ओवर की अगली गेंद के साथ, सामने आमिर है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है, जैसे सही फैसला किया है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या फिर इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ये फाइनल मुकाबला किसी जंग से कम नहीं है, जंग से कम नहीं है, और आप देख सकते हैं कि दोनों टीमें बिल्कुल यहां पर मशक्कत कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। वन बाउंड लगाइए सीढ़ी, नहीं पहुंच पाएंगे, बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका, आमिर इजाम फायर, एक और चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 21, 20 रन माफ कीजिएगा, 20 ऑन द बोर्ड। यार तो जो बोलना है बिना गाली के भी बोल सकते हैं। आमिर रेडी टू टेक द नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम हमजा, दिस इज कैच फ्रॉम मिस्टर आमिर, रन नंबर बाउंड्री, दिस इज फिफ्थ बाउंड्री इन सिक्स डिलीवरी ही हैज फेस इन दिस फाइनल मैच बिटवीन शेखरपुर एंड माजिद क्लब सिंदरी। हियर वी गो नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम हमजा, रेडी टू टेक द नेक्स्ट डिलीवरी, इट विल हिट द बाउंड्री, थ्री कंसेक्यूटिव, ही इज ऑन फायर, electric, exquisite time.
क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है, क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहा है आमिर। स्कोर पहुंचा है 28 बल्ले का किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच जरूर गई है, लेकिन क्या जबरदस्त बल्लेबाजी के बलबूते पर अब तक माजिद क्लब सिंदूरी की टीम ने आमिर की और तमश की पारी ने बल्लेबाजी की है। रन आउट का मौका मिल गया, मौका नहीं लगा पाए चौका, फायर फायर फायर। 4+4 ओवर का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, सारे लोग लाइक कर रहे हैं, सारे लोग बन जाए। अरे बिन गुस्वा दिए नाम की अपने कैंसर खाते मारे इतना कुछ बोला तो भरपूर कोशिश, हवा में गोता लगाया, भरपूर कोशिश और बहरहाल पहला आघात जरूर लगा है, मिसअंडरस्टैंडिंग गलत पहली का शिकार जरूर हुआ, लेकिन उस तरीके के मुकाबले में, हाई वोल्टेज मुकाबले में जहां बात बाइक की हो तो इस तरीके से जान जोखिम में डालना बनता है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 29 रनों पर, 2 ओवरों के मुकम्मल होने के बाद ये पारी का 30वां ओवर चल रहा है। 33 रनों का स्कोर है। अब यहां से आमिर के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, आमिर का बल्ला चला, यहां से पूरा 4 ओवर खेलना पड़ेगा तो बात बनेगी कि तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाह का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अब जिम्मेदारी आमिर की है कि टीम को लेकर साथ चले, पहाड़ी सिरा और गेंद निकल गई, टाइमिंग एक और चौका 37, लगातार रनों चौकों पे डील कर रहे हैं, 7वां चौका निकला है आमिर के बल्ले से, स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर 37 रनों पर, 37। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, वंस मोर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, बिल्कुल वंस मोर आर्मी, जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि ये आमिर एक ऐसा बल्लेबाज जो मैदान के चारों तरफ शॉट खेलता है, मिस्टर 360 आप कह सकते हो, मिस्टर परफेक्ट कह सकते हो, इस तरीके का ये शॉट खेलता है। तैयार 41 का स्कोर, एक और चौका, तालियां बजाया तैयारी के लिए, नतमस्तक कर दिया है, खुद को प्यारे को मजबूर कर दिया है आमिर ने, 3 ओवर के बाद स्कोर 45 रन। ये पहली बार नहीं है, पिछले 4 लगातार फाइनल में मैं कमेंट्री करता हूं और आमिर फाइनल में हर बार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज हो जाते हैं, ऐसा ये बल्लेबाज है। 3 के बाद 45 है, गिरबाज का नाम बता दें, अरमान तैयार, क्या करेंगे, वापसी करनी पड़ेगी, ये उल्टा बैट घुमाया है लेकिन इस बार कामयाबी हाथ नहीं लगेगी, अब यहां से कुछ अच्छा करना पड़ेगा। कहते हैं कि गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड, आप जब बहुत अच्छा कर सकते हैं तो सिर्फ अच्छा करने से काम नहीं बनेगा, आपने अभी तक अच्छा किया है, बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। 4 बातें बताने के 50 के अंदर अगर रोक लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये टीम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, फिट का काम करेगा, एडवांटेज का काम करेगा। अरमान तैयार है, 1 विकेट का कॉलम भरा है, अगली गेंद का मौका फिर से गवा लिया है, यहाँ पर लग जाते तो कम से कम 8-10 रनों का अंतर हो जाता टीम से कुकुर के लिए। लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जनाब वसीम अहमद पप्पू पेजर साहब, चेयरमैन सलाइमी, साथ में गुफरान अहमद मुन्ना भाई पेटी वाले और साथ में जनाब मौलवी शकील अहमद साहब, इस को देखा जा रहा है, क्या लगातार ये तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, साथ दिया है, रियाज अहमद साहब की मेहनतें रंग लाई है, सालिम मैक्सवेल उनके साथ मेहनत रंग लाई है, जाइए ऐसे
शाह को सराहिए, इस बल्लेबाज को सराहिए, आजमगढ़ का तनाव का बेताज बादशाह बनने वाला ये खिलाड़ी है आमिर बर्बतपुर। एक और चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 51-50 का आंकड़ा पार किया है। एक और चौका, जब चाहे तब रन बना दे रहे हैं, जब दिन होता है तब कैसे भी शॉट खेले, वो एक कहावत है कि जब किस्मत हो मेहरबान तो हमें भी पहलवान। हमिर लगातार चौके लगा रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं तैसा चौका लगा रहे हैं। ये देखिए, जब चाह तब चाह, जब मन चाह चौका लगा दिया। ये मिस्टर आमिर, मैं जानना चाहूंगा कितना रन बनाया है, चौका है चौका। वन सेकंड बने हैं, आमिर का स्कोर कितना है? चलिए, 4 ओवर में 160 बनाया है, 60 रनों को टारगेट दिया है। 13 चौके लगाए हैं आमिर ने, खेले से कि 11 मिनट। एक बार जोरदार तालियां बजाने आमिर की बल्लेबाजी पर। 13 चौके, पहला ऐसा बल्लेबाज बना जिसने अर्धशतक लगाया है 4 ओवरों के मुकाबले में। 4 ओवर में 60 रन बनाना है, क्या कुछ होगा? क्या ये मुकाबला आसानी से टारगेट जीत जाएगी? हालांकि 60 रन बनाना है, 13 चौका लगाया है, 13 चौका लगाया है आज ने, 60 रन बनाना है 4 ओवर में। शेखपुर में फाइनल मुकाबला जीतने के लिए आप लाइन को सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पांडवे का दिल में है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अब ये आखिरी स्टेज है इस मुकाबले का। आखिरी इनिंग में क्या कुछ होता है, कौन जीतता है, किसके पास बाइक जाती है, किसके पास रिंग जाती है, ये आगे का विवरण देने के लिए आखिरी बार इस टूर्नामेंट से हमारे साथी कमेंटेटर, एक्सपीरियंस कमेंटेटर साथ में हौसला अफजाई करने के लिए एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। चलते हैं एक बार आखिरी कमेंट्री के लिए शाकर साहब के साथ। देखने वाले नहीं थे, तो दोस्त बहुत प्यारा है मुकाबला। दोनों बल्लेबाज का नाम बता दें तो ये फाइनल मोहम्मद आमिर बेहतरीन बल्लेबाजी किया, जैब स्ट्राइक पे, नाइन स्ट्राइक पे हमजा, नाइन स्ट्राइक पे हमजा जैब है स्ट्राइक पर, और ये है गेंदबाज मोहम्मद आमिर। आज जबरदस्त गेम शो किया है मोहम्मद आमिर, 4-4 का फाइनल मुकाबला, 60 का टारगेट है अंतर चौका। इसी 4 के साथ स्कोर का आगाज किया है 4 ओवर का बहुत ही मुकाबला खेला गया। धूप कितने भी आए, लाल भाई कहें कि पानी हमारा अच्छा होना चाहिए, बड़े मुकाबले का होना चाहिए, 4-4 का हो रहा है और उसमें सोने पे सुहागा कर दिया मोहम्मद आमिर की बेहतरीन बल्लेबाजी ने, एक अच्छे फील्डिंग। तो हमारे को भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है धूप लगे या ना लगे, क्योंकि हम लोग का कलर ऐसा है कि कलर जाएगा तो पैसा वापस हो जाएगा, ये कलर आने जाने वाला नहीं है, तो ये धूप लगे तो इसकी परवाह नहीं है, तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 5 जरूर बने हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 60 के जवाब में मोहम्मद आमिर फाइनल का हीरो बन के निकला है, 50 पूरी कर दिया 4 ओवर के मुकाबले में, क्या जबरदस्त गेम हुआ है। अब यहाँ पे शेखपुर भी बेचैन है और ये हम भी रन बनाना जानते हैं, हम भी रन बनाएंगे, लेकिन कहा गया कि वो वक्त अच्छा तो पत्थर भी महक जाते हैं, वो वक्त बुरा तो बोलते चली जाती है खुशबू। यहाँ पर आज दिन अच्छा है, आज का दिन यहाँ पर है मोहम्मद आमिर का, टाइम के साथ 4, इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा है। अब यहाँ पर 9 रन, कहा गया क्रिकेट बाई लक, फुटबॉल बाई पावर, वॉलीबॉल बाई स्टेमिना, तो क्रिकेट कुछ कुछ किस्मत का भी खेल है, तो आज किस्मत बहादुर थी, किस्मत बहादुरों का साथ देती है और यहाँ पे आमिर बहादुर ने 50 पूरी किया और ये राष्ट्रीय के सिलसिला है और वहां पर क्या होगा, एक रन तो जरूर मिलेगा इसको, रिपी 1 के साथ जब पहुंचा है 10 रन 4 ओवरों में, तो ये 4 ओवरों में ओवर के साथ 60 का टारगेट दिया गया है, 10 बन गया है पहले बार में। तो 13 घंटे मोस्ट लगातार ये कमेंट्री चल रही है, ताली सिद्दीकी ने बताया, तो ये खेल अगर अभी
13 घंटा और दो तो और 13 घंटा कमेंट्री चल सकती है। बस खेल चलना चाहिए, कमेंट्री होती रहेगी और बहुत प्यारा खेल चल रहा है। अनराम का ये खेल जरूर है लेकिन बड़ा मजा आया। सेमीफाइनल बड़ा मजा आया। नेशनल पैच लैब तो अपनी शाप खोलने के लिए एक मिनट की टाइम नहीं मिलेगी, जरा सा वक्त दो, खेल में वक्त नहीं दिया लेकिन अब जा रहे हैं अपनी शाप पे। अच्छी अब यहाँ पर शेखपुर को एक और प्राण हाथ लगा है। कोशिश करो सिंधरी टीम बल्ले बल्ले है, मजबूत कंडीशन में है, मजबूत पोजीशन में है। मोटर बाइक की चाबी किसको मिलेगी, फ्रीज की चाबी किसको मिलेगी? और जो सपोर्टर हैं सिंधरी की वो लोग बार बार इशारा कर रहे हैं कि हम तो लेके चलिए मोटर बाइक, आप खोजते रहिए क्या होगा। हमजा राजापुर से गौर भी इस चरण के साथ जुड़ी हुई है, मैं उनका भी वेलकम कर रहा हूँ। लेकिन अभी शेखपुर तलाश रहा है छीनने को चाबी, ट्वीट करने में कामयाब रहा। बहुत प्यारी विद्यार्थी हो रही है अलकबा के द्वारा, 60 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और ये पहली बार साफ आउट कर दिया है, साफ आउट किया। बल्लेबाज यहाँ पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो लेकिन दबाव में शेखपुर है। फाइनल में आकर शेखपुर और आमिर के तैयार हो रहे हैं कि और को की वहां पर आप देख रहे हैं कि अब कैसा 4 रन इसी 4 के साथ स्कोर है, 14 रन। दूसरा ओवर जारी है, 4+4 का मुकाबला। ये फाइनल है, ये फाइनल है। मुन्ना भाई ये मुस्कुरा रहे हैं कि चलो जो पूरी चुनौती थी उसको पूरा हो गया, ये फाइनल चल रहा है बहुत शांति के साथ। कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। पप्पू शुगर साहब इस मुकाबले को देख रहे हैं। तो वसीम पप्पू पेजर साहब जो पीड़ा उठाया है कि मैं सरामीर में कभी जात बरादरी नहीं होने दूंगा, और ये खेल उसी दौरान रोज चल रहा है। जिसे 2000 का इनाम दिया जाएगा। स्कोर कितने? स्कोर 15-60 के जवाब में। ये फाइनल है लेकिन सिंधरी की टीम मुकाबले में रह जा रही है, हल्के बोल भी क्रॉस कर जाएंगे। 4 रनों के लिए स्कोर जब पहुंचा है 19 रन। तो पप्पू पेजर साहब चेयरमैन ऑफ सरामीर, उन्होंने कहा कि कस्बा सरामीर में जात बिरादरी ना होने देना, बात को बात खुराफात ना होने देना, बात को बात खुराफात न होने देना। बेहतरीन ये खेल चल रहा है, अच्छी गलती बाहर की तरफ निकली है। यहाँ पर वाइड का इशारा आएगा, इसको जब पहुंचा है वीटन। मिस्र जन्नत है अहले जहां वालों, मिस्र जन्नत है अहले जहां वालों, मेरा अपना ये सरामीर, इसे कभी गुजरात या आसाम ना होने देना। ये बेहतरीन खेल चल रहा है यहाँ पर, चौके के पार स्कोर 24 रन। स्कोर 24 रन सिंधरी ओसिस ग्रुप मुकाबले में दिख रहा है। 60 रन चाहिए मैं जीतने के लिए। जारी है मोहम्मद आमिर, एक ह्यूज बनकर निकला है, एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन उसका रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट रहा है। और फाइनल में तो वो 50 बना रहा, तो कौन उसे रोकेगा? मैन ऑफ द मैच से जो 2000 का कैश इनाम है वो भी लेके जाएंगे, और सीरीज भी दौड़ रहे हैं वो भी चेक करेंगे कमेटी की कौन सबसे आगे है। विकेट भी निकालते हैं, रन भी बनाते हैं, ये हीरो बन गया प्रवीण का।
जीरो बना हुआ है। मोहम्मद आमिर तीन रन की समाप्ति पे स्कोर है 26 रन में 60 के जवाब में। 34 रन चाहिए 6 गेंदों पर। कैसे बनेगा दोस्त 34 रन? 34 रन कैसे बनेगा ये देखा जाएगा। कुछ सोचते हुए अपने खेल को दिखाना चाह रहे हैं। अब ये फैज आएंगे बातें करने के लिए। फैज की बातें करके शेखपुर बहुत अच्छी गेंद लेकिन सिक्स के व्हाइट बॉल नो बॉल का इशारा यहाँ पे आया है इसी एक रन के साथ 27। अब 33 रन नीडेड गो सिर्फ 6 बार जाने वाले हैं और 33 रन चाहिए। क्या ऐसा कर पाएंगे या चैंपियन बन जाएगा ऑसिस ग्रोव चंद्री आमिर एंड कंपनी। ट्राइब किया फील्डर मौजूद वहां पर एक भी जाएगा और नो बॉल का इशारा फिर आया है तो दो रन इसी दो के साथ इसको जा पहुंचा 29। अब 21 रन चाहिए 6 गेंदों पर 21 रन चाहिए। राज भाई असंतुष्ट है कि मुन्ना भाई है वसीम पप्पू पेजर साहब हैं जो चेयरमैन हैं उन्हीं के हाथ से टूर्नामेंट का ये सारे इनाम डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आप लोगों की मौजूदगी भाई से कामयाबी की ये सरद है और बहुत अच्छी गेंद पूरी तरह से तो आमिर की खुशी का ठिकाना नहीं। आमिर मुस्कुरा रहा है और जब मुस्कुराता है दोस्त बड़ा प्यारा लगता है। मोहम्मद आमिर की बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर एक रन लेने की कोशिश रन आउट हो गए और आमिर एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक है। अब पट्टी खुलकर फेंक दिया है अभी हो गई दो बच्चे मोहम्मद आमिर आमिर के दो बच्चे हो चुके हैं। रंगदार ये खुशी का ठिकाना नहीं है। सर से पांव तक गुलाबों का सर लगता है। बेहतरीन बने का हमारे 5 दिन पहले ही वो फिर से छोटा श्री बने हैं। बेहतरीन बने का हाँ ये खेल चला है यहाँ पर बेहतरीन ये खेल क्या करेंगे किस तरह से अपने गेम को शो करेंगे और ट्राई क्या क्या फील्डर मौजूद है वहां पर एक रन मिलेगा। तो आमिर पर कसूर के लिए कहा गया था कि सर से पांव तक गुलाबों का सजन लगता है। सर से पांव तक गुलाबों का सजन लगता है बावजूद है चुनाव को भी डर लगता है करने में कामयाब जो हमारे पूरे राज्य के पूरा के लोग ने ताउन किया और जो लोगों का नाम हमारे पास मौजूद है उनका नाम मैं बार बार लेना चाहूंगा इनकी मेहनत से इनके ताउन से टूर्नामेंट कामयाब रहा जिसमें वसीम अहमद साहब पप्पू पेजर अनिल कानकर सभासद वार्ड नंबर 3 आनंद उपटिमंडल सभासद नंबर 3 और गुफरान अहमद मुन्ना भाई पेटी वाले शफीक रहमान और गुप्पल भाई चक्की वाले बेहतरीन ट्राई बहुत ही खूबसूरत खेला है। इसी चार के साथ 26 चाहिए 34 बना है 26 चाहिए। सुल्तान कुरैशी साहब इरफान अहमद साहब चलिए बरमसपुर ने फाइनल मुकाबले को जीत लिया है। विजेता टीम है बरमसपुर और विजेता टीम है शेखपुरा। 22 की हकदार हो चुकी है बरमसपुर कैप्टन आमिर और सीरीज के भी हकदार होंगे आमिर टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बल्लेबाजी की है मोहम्मद आमिर ने और मैन ऑफ द मैच के भी हकदार हो सकते हैं क्योंकि फाइनल में 13 चौके लगाए हैं। माजीदानी कंपनी सुंदरी हेरोस की चैंपियन आई है। माजीदानी कंपनी सुंदरी हेरोस चैंपियन बनी है यहाँ पर और उप विजेता रनर टीम रही है शेखपुर। तो तीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि आपने बड़े टूर्नामेंट को जीता है बहुत बड़ा अचीवमेंट का है। पप्पू जीतकर चैंपियन बने हैं आपके मुबारकबाद आपको मुबारकबाद। सुन मैक्सवेल सुना जा रहा हूँ क्या नाम है मुसाहब कौन अच्छा तभी निकाल के दिए कि सही तरीके से अपने खेल को दिखाना होगा बहुत खुश कर दिया खेल है ये पता चला है हम लोग वापस पूछे हैं जो बताया दिया कहा जाता है खेला जाके सामने रहना और हो चुका है